हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून 2022 को है। दैट मींस कि वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर द प्रिपरेशन। अब इस टाइम पे हमने एक तरह से ये रिवीजन टाइम ही है, जो भी कुछ अब तक प्रिपेयर कर लिया उसको अभी हमने रिवाइज करना है, ओके। बट अगर हम बात करते हैं सी सेट की, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सी सेट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है। तो अभी इस टाइम में किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बेटा बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हो, तो उस केस में आप देखिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर से बेटा जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि पहले कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, फिर कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम के अंदर से आप 10-15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। 10-15 क्वेश्चंस, दैट मींस कि आप ये मान के चलिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ प्रिपेयर करें ना करें, बट नंबर सिस्टम सभी ने डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए नंबर सिस्टम का, ओके। तो नंबर सिस्टम बेटा सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और नंबर सिस्टम के साथ में ही आपका आ जाता है LCM HCF। LCM HCF के अंदर भी आप टू टू थ्री क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। आ सकते हैं 2-3, अदरवाइज 1 तो पक्का है ही है, क्लियर। तो LCM HCF एंड नंबर सिस्टम सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन की। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी अगर हम बात करते हैं सी सेट की, तो सी सेट के अंदर बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। अभी जैसे आपने 2020 का पेपर, 21 का पेपर अगर आप लोगों ने देखा है, तो 22 के अंदर भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब उसमें आपने देखा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स आई होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम आई होती है मीन्स कि आपके पास में पूरी स्टेटमेंट गिवन है और हम नहीं कैटेगराइज कर सकते उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इन दीज टॉपिक्स, ओके। तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एक तरह से सिंप्लीफिकेशन के, और यू कैन से दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ये, ओके। लॉजिकल क्वेश्चंस है अगर आप लॉजिकली स्ट्रोंग हो और अर्थमेटिक के अंदर थोड़ा सा भी आपको आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर हम गूगल करते हैं तो बेटा अर्थमेटिक रीजनिंग के नाम से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के नाम से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। या आप ये कहिए कि अगर लॉजिक आपके लॉजिक से रिलेटेड मीन्स कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं क्वांट के, उस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जी किसी मर्जी एग्जाम का, इट डजेंट मैटर। सिर्फ ये है कि उससे आपका है ना जो माइंड है वो लॉजिकली वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर सभी ने प्रैक्टिस करनी है सिंप्लीफिकेशन, डन। इसके अंदर हमने भी सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है, इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए मैंने। काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बताए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपने सॉल्व करने, ओके। इसके अलावा अर्थमेटिक रीजनिंग के सेक्शन में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको 200 के अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 2-3 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के अंदर एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, ओके। साथ में हम बात करें अगर परसेंटेज की, देन परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज में से एग्जाम क्वेश्चन में पेपर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये जो पांच टॉपिक्स हैं बेटा, ये जो पांच टॉपिक्स हैं, आप ये कह सकते हो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपने ये पांच टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो एक तरह से आप लोगों के लिए ईजी हो जाते हैं। अगर आपका परसेंटेज और एवरेज आपका क्लियर है, तो उस केस के अंदर जो एजिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एजिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर ले सकते हो, और एजिज का क्वेश्चन बेटा हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम के अंदर एजिज का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये मान के चलो एजिज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए। और आप अगेन वही बात है कि एजिज वाला जो टॉपिक है उसको आप कंसिडर कर सकते हो इसके अंदर भी। अगर हम अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन के अंदर जाते हैं, तो जो एजिज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दे आर कंसिडर अंडर द सिंप्लीफिकेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। अब उसके बाद में अगर हमारे पास टाइम है देन वर्क हम करेंगे, टाइम एंड वर्क, देन टाइम एंड डिस्टेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। अब बात करते हैं बेटा डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसा टॉपिक है
कि अगर हम जाते हैं थोड़ा सा बैक आई मीन टू से 2018 का पेपर मैं अगर देखूँ 2018 का, तो पूरे का पूरा पेपर अगर देखे तो पूरा पिक्टोरियल पेपर आया हुआ था, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे. दैट मीन्स वर्ड कि सारे ग्राफ्स आए हुए थे, ठीक है ना, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, इस तरह से डाटा टेबल, पाई चार्ट, मतलब सारे के सारे ग्राफ्स आए हुए थे. ओके, तो पेपर के अंदर काफ़ी सारा ये लगा लो कि पार्ट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से था. बट अगर हम बात करते हैं बेटा 19, 20, 21 की, तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि एक दो क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड आए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हुए हैं. तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों को कि इसको छोड़ दो, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज यूपीएससी है बेटा, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बट डाटा इंटरप्रिटेशन को आप छोड़ नहीं सकते. बट मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आप सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन पे ही जुट जाओ, नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर मान लो मेरे पास में, हाँ जी, मेरे पास में पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट कैसे सॉल्व होता है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अगर मेरे पास बार चार्ट है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मेरे पास में लाइन है तो वो क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रही है. जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके अंदर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कंसेप्ट, जो क्वेश्चन आएगा आपकी, जो स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होगी, ज़्यादातर परसेंटेज से रिलेटेड होगा, एवरेज से रिलेटेड होगा, रेशियो का होगा, ठीक है ना. तो अगर हमारे ये वाले जो टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे. ओके, तो एक ये लगा के चलो कि हाँ जी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इनका. और साथ में बेटा केस स्टडी को भी, केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपने सॉल्व करने, खास करके जो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ओके, क्लियर. हाँ जी, अब अगर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सभी का अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इजी टॉपिक है. अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो दिस इज़ द इजी पार्ट. ओके, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सभी अच्छे से कर लेंगे, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 to 3 क्वेश्चन. ठीक है, सेम वे ऑर्डर एंड रैंकिंग. ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर देखो बेटा, ऐसा है कि रैंकिंग के अंदर तो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप ये कह सकते हो ए इज 3 रैंक बिलो बी, इस तरह से, या फिर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स है, ए का रैंक 14 है, तो बताओ कि ए का रैंक लास्ट से कितना है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास में रैंकिंग. ऑर्डरिंग के अंदर क्या होता है आपके पास में, ऑर्डरिंग मतलब कि आपके पास में कुछ 4-5 लोगों का डाटा गिवन होगा, उसमें एजेस से रिलेटेड डाटा हो सकता है, आपके पास वेट से रिलेटेड डाटा हो सकता है, और उनको अरेंज करना है. ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पास में एक तरह से अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं. ठीक है ना, तो ऑर्डरिंग पे एक तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में चार एक स्टेटमेंट हो बड़ी सी, और उसके अंदर ऐसा हो कि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. ठीक है, जैसे 17 के अंदर आया हुआ था. ठीक है ना, तो इसलिए ऑर्डरिंग को भी और रैंकिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना सभी. सिलोजियम अगेन इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट सभी ने क्लियर करके रखने हैं. ओके, उसके बाद में बात करते हैं मिसिंग टर्म्स की. मिसिंग, फाइंड द मिसिंग टर्म. अब इसके अंदर बेटा अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस आपने देखा होगा, हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है किस तरह से अल्फाबेट से रिलेटेड, जैसे कुछ इस तरह से आ गया. ठीक है ना, फिर इस तरह से कुछ, मतलब एक ऐसे कुछ सीरीज गिवन है उसमें से क्वेश्चन आ गया, या फिर आपके पास में कुछ ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो कुछ नंबर्स गिवन हैं ऐसे, ये हो गया फॉर एग्जांपल 6, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि हाँ जी अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा. तो मिसिंग टर्म में दोनों टर्म का तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखना है. ओके, हाँ जी, इसके अंदर भी क्या है कि अगर आप लोगों का नंबर सीरीज वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, नंबर सीरीज आपने प्रिपेयर कर रखी है, तो उस केस के अंदर ये इजी हो जाता है आपके लिए, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. उसके बाद आ जाता है आपके पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग के अंदर से बेटा डायरेक्ट अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग का भी आ जाता है. ठीक है, इसके बाद बेटा ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, अगेन इंपॉर्टेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है. उसके बाद हम अगर बात करते हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की, तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर से ऐसा नहीं है कि हाँ जी पजल पे ही लगे रहो, सीटिंग अरेंजमेंट पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है.
क्या है कि बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसी पजल को कैसे सोल्व करना है. मीन्स कि अगर शेड्यूलिंग पजल है देन व्हाट इज द मेथड टू सोल्व दैट पजल. ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल है व्हाट इज द मेथड टू सोल्व दैट पजल. मीन्स कि थोड़ा सा आइडिया आपने लगा के चढ़ना है. सीटिंग अरेंजमेंट है तो उसमें लेफ्ट किधर जाएगा, राइट किधर जाएगा, इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. बट ऐसा है कि बेटा पजल भी अगर हम देखें तो अभी 20 और 21 के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पजल के एग्ज़ाम के अंदर. पजल से रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो इसलिए अगर हमारे पास में टाइम है तो हम इसके ऊपर टाइम डिवोट करेंगे. अदरवाइज़ ये टॉपिक्स तो आपने करने ही करने, ये टॉपिक्स तो आपने करने ही करने. ओके नाउ अब आते हैं कि आप कहोगे कि मैडम ने तो सारे टॉपिक्स बता दिए, सारा ही क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग बता दिया. नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है. तो इसके लिए आपको मेनली करना है क्या है, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ नंबर सिस्टम, देन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन प्रॉब्लम ऑन एजेस भी करना है. अब देखो के बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन. अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि टॉपिक तो हमने कर लिया, टॉपिक मान लीजिए हमने कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया या फिर हमने परसेंटेज कर लिया. अब उनको प्रिपेयर कैसे करना है, हर एक के अंदर हमने ध्यान रखना है कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जरूर करने हैं. डाटा सफिशिएंसी, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो लॉजिकल रीजनिंग, दोनों के अंदर बेटा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, अब ऐसा भी उसको आप कैसे ढूंढेंगे क्वेश्चंस को, तो अब उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि गूगल कर सकते हो कि हाँ जी डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज, डाटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस तरह से. तो उसके अंदर आपको डाटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस जरूर करनी है. डाटा सफिशिएंसी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, एग्जाम के अंदर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, सेम वे अगर हम लॉजिकल रीजनिंग देखें तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी बेटा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोजियम, देन मिसिंग टर्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड क्लॉक एंड कैलेंडर. तो एक तरह से देखिए चलिए तो ये हमारे पास में 15 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने. ओके, जो डाटा सफिशियंसी है बेटा एक तरह से ये टॉपिक नहीं है, दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज़ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं. बट अगर हम इसको अलग से भी लेके चले, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप सिर्फ डाटा सफिशियंसी ले सकते हो कि डाटा सफिशियंसी के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है. ओके क्लियर, तो इस तरह से हमने क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना है. दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने ये टॉपिक्स. तो कैसे तैयारी करोगे, पहले देखो कि हाँ जी ये टॉपिक हो गया मेरा, यस टिक कर दिया, दूसरा टॉपिक हो गया टिक कर दिया, तीसरा टॉपिक हो गया टिक, हाँ जी. उसके बाद जैसे मैंने देखा अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा नहीं हुआ, क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना. ओके क्लियर. अब अगर हम बात करते हैं बेटा इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर मेनली क्या होता है, 25 के अराउंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते होते हैं. ठीक है ना, पहले क्या होता था कि आपके पास में लॉन्ग पैराग्राफ्स आते थे और उसके अंदर पूरे के अंदर क्या होता था कि 3 to 5 क्वेश्चन आ गया एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर. ठीक है, बट आजकल ऐसा नहीं है. आजकल कैसे आ रहा है क्वेश्चन कि आपके पास में शॉर्ट पैराग्राफ्स आ रहे हैं और उसके अंदर आपके 1 to 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 1 to 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. अब वो जो क्वेश्चन है वो भी कैसे आएंगे, तो उसके लिए हमने करना क्या है बेसिकली कि आप जब भी आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, ऑब्वियसली जब जीएस के लिए भी न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते होंगे, 1 से 2 न्यूज़पेपर मेरे ख्याल में सभी डेली का टाइम टेबल के अंदर सभी ने अरेंज कर रखा होगा कि हाँ जी मैंने इतना टाइम ये दो न्यूज़पेपर मैंने लगा रखे, मैंने पहले इसकी रीडिंग भी लेनी है इसकी भी लेनी. तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कैसे देखना है आपने, कोई भी एक पैराग्राफ जैसे हम रीड कर रहे हैं तो ये सोचो कि हाँ जी इससे मेरा इन्फ्रेंस क्या निकल के आ रहा है. ठीक है, अजम्पशंस क्या बन रही है, इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, अगर आर्ग्यूमेंट्स पर्टिकुलर अगर हम देखें तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है. ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो तो एकदम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज बेटा ऐसा है हम कंफ्यूज होते हैं कि अजम्पशन एंड कंक्लूजन. ठीक है, किसी जगह पे क्या होता है कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन पूछ रखा होता है, हम उसका जो आंसर कर रहे थे दैट इज अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन. अजम्पशन इज अ डिफरेंट थिंग, कंक्लूजन इज डिफरेंट थिंग, इन्फ्रेंस इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पर्टिकुलर सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम के अंदर बेटा देखो एक और दूसरी बात बताती हूँ मैं आपको,
कि जो पैराग्राफ आता बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता, बहुत ज़्यादा टिपिकल पैराग्राफ नहीं आ रहा। जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दैट मीन्स कि इतना तो मैं मान सकती हूँ कि वो पैराग्राफ आपको समझ में आ रहा है, पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बात आ रही कि उस पैराग्राफ के अंदर से जो आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है उसको आप कैसे करोगे। तो अगर आपके ये पर्टिकुलर पॉइंट्स क्लियर हैं, जो इंग्लिश वाला सेक्शन उसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं प्रोवाइड कर रखा, आपको सिर्फ 6 लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं जिसके अंदर ये पर्टिकुलर आपको समझाए हुए हैं कि हाँ जी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद तो बेटा जो भी आपके पास कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा है उसके ऊपर आपको ये सभी पता होना चाहिए। ओके, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी सी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि जो आपका सी सेट है सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बात आती है कि हाँ जी अगर मान लो मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या मैं कंप्लीट कोर्स लूँ कहीं से? नहीं, उसके लिए अभी पीडिया आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए अभी पीडिया आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक वीक है अभी लास्ट मोमेंट पे अब हम क्या करें, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू माइक्रो कोर्सेज। ओके, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज के अंडर आपके पास में मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह से आपके पास में सब्जेक्ट्स बने हुए हैं और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। ओके, फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपका कहीं कुछ पॉइंट है कि हाँ जी कैसे हम पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करें, वीडियो लेक्चर्स लें या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लें, तो उसके अंदर भी आगे फर्दर आप लोगों के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अगर चाहते हो कि मुझे वीडियो लेक्चर, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। ओके, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन दैट केस गो फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, MCQs आप ले सकते हो। ओके, जैसे कि आप कह रहे हो कि हाँ जी सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है मैंने, तो उसके या फिर आप ये कहो कि अर्थमेटिक रीजनिंग के लिए मैंने प्रिपरेशन करनी है, इन दैट केस क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। अब मैं गूगल पे कहाँ कहाँ पर्टिकुलर सेलेक्ट करूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अर्थमेटिक रीजनिंग के सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अर्थमेटिक रीजनिंग का टॉपिक लेंगे और वहाँ पे आप देखोगे आपको 200 से 300 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, तो वहाँ से क्या है कि आपको लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ रही है तो उसको मैंने लॉजिकली कैसे सोल्व करना है मैथ्स के। ओके, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से बेटा माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टडी टॉपिक को लेके। थैंक यू।